ये मिस्त्री ने काट दिया है, तो अब हमको कैसे रूट बनाना है जिससे हमारा इसके पीछे एक टीवी का स्विच बोर्ड है, तो उसके लिए कैसे हमें स्विच बोर्ड लगाना है और पावर कैसे ले जानी है, तो आज की इस वीडियो में हम यही कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ होगा जैसे कि कभी जैसे अपने जैसे पार्टी ने बोला कि हमको बोर्ड यहाँ पे चाहिए या फिर यहाँ पे चाहिए या फिर हमको बोर्ड यहाँ पे चाहिए, तो पार्टी का डिसीजन चेंज हो जाता है कि हम बोलते हैं कि हमको अब बोर्ड यहाँ पे नहीं चाहिए, हमें कहीं और चाहिए। तो किस तरह से हम रूट बना सकते हैं दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ कि यह वह किचन है जिसकी वायरिंग मैंने आपको पहले ही दिखा दी थी, जिसमें हमने यहाँ पर बोर्ड लगाया था। सबसे पहले हमने बोर्ड लगाया था वो यहाँ पर लगाया था, लेकिन कैंसिल करवा दिया पार्टी ने। वो फिर बोर्ड हमने यहाँ पर लगाया था, लेकिन फिर एक बोर्ड हमने यहाँ पर लगाया था जिसमें हमारा ये एसी का वायर आ रहा था। हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से हमारा एसी का वायर आ रहा है। तो पार्टी ने अब जैसे कि हम यहाँ से काम करके गए, तो जैसे ही पार्टी ने हमारा ये बोर्ड कैंसिल कर दिया जिसमें हमारा एक एसी का वायर सर्किट भी आ रहा था जो हमारा कट हो चुका है, और इधर से हमारे दो वायर आ रहे थे एसी के, और जैसे ये एसी का सर्किट है तो ये एसी का सर्किट भी जा रहा था इधर से, और हमारा इस बोर्ड के लिए पावर सप्लाई आ रही थी रूम से। तो किस तरह से रूट था, इधर से हमने ये यहाँ पे अब नया बोर्ड लगा दिया है। अब डिसीजन फाइनल हुआ है कि हमारा बोर्ड यहाँ पे आएगा, क्योंकि टेल वगैरह लगने के बाद इस तरह से डिसीजन चेंज हो सकता है। तो यहाँ से हमारी लाइन आ रही थी और हमारा यहाँ पे एक लग रहा था डीप जंक्शन, जो कि हमारा कुछ इस तरह से है। यहाँ पे ये निशान लगा दिया है मिस्त्री ने, यहाँ पे हमारा डीप जंक्शन है जिसमें हमारा एक ये पॉइंट है, और यहाँ से ही हमारा आ रहा था इस तरह से बोर्ड, जहाँ पे हमने ये 8 मॉड्यूल का बोर्ड लगा दिया है। तो ये हमने लगा दिया, इसमें से हमारा इसके अंदर से हमारा रूम के लिए एसी का सर्किट प्लस हमारा जो पावर आ रही है मेन न्यूट्रल और फेस की, वो इधर से आ रही है, और यहाँ से ही हमारा एक बोर्ड यहाँ पे है जो कि हमारा इस वाले पॉइंट के लिए है, और इसके ठीक सामने एसी का है जिसमें हमारा एसी का वायर सॉकेट के लिए इनपुट हुआ आउटपुट हुआ है, और वहाँ से यहाँ से ही हमारा आउटपुट वायर प्लस इनपुट वायर इधर से होके जो इस रूम है इसके पीछे उसमें गए हैं। तो अब यहाँ से हम कैसे रूट बना सकते हैं, जैसे कि अब हमारा ये तो यहाँ से ब्रेक कर दिया पार्टी ने, ये मिस्त्री ने काट दिया है, तो अब हमको कैसे रूट बनाना है जिससे हमारा इसके पीछे एक टीवी का स्विच बोर्ड है, तो उसके लिए कैसे हमें स्विच बोर्ड लगाना है और पावर कैसे ले जानी है, तो आज की इस वीडियो में हम यही कवर करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा ये वाला बोर्ड भी पार्टी ने कैंसिल करा दिया है और ये वाला बोर्ड भी कैंसिल करा दिया है। अब हमने जो 6 मॉड्यूलर का बोर्ड है वो यहाँ पे करा दिया है, जिसमें हमारा जो ये है इनपुट वायर एसी का, जो कि हमारा जो ये वायर है पहले इस तरह से वायर आया हुआ था और ये जुड़ा हुआ था, बट अब ये काट दिया है, तो इसको हम यहाँ पर ही इस तरह से ज्वाइंट करेंगे, प्लस यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे, और इसको हम ले जाएंगे जो ये वायर है हमारी, ये जो मेन न्यूट्रल फेस है जो कि आया हुआ है रूम की तरफ से, तो यहाँ से हमने देख सकते हैं यहाँ पे हम एक टीप जंक्शन लगाएंगे, जंक्शन बॉक्स, और इधर हमने आर पार होल कर दिया है। तो इस तरह से हम रूट बना सकते हैं जो टेलीविज़न के लिए हमने पहले जो हमने आपको वीडियो में दिखाया है किस तरह से, कि इस वाले बोर्ड से ही हमने इधर से ही लूप करके पीछे की तरफ दे दिया था। तो अब हमने क्या किया है कि यहाँ से हमने छेद कर दिया है इसमें एक, और होल करके हम उधर हमने रूट बना दिया है। तो किस तरह से रूट बनाया है मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ से हमने होल किया है, और होल करने के बाद हमने कुछ इस तरह से यहाँ पे कटिंग कर दिया है, और कटिंग करने के बाद यहाँ पे हम पाइप लेके यहाँ पे हम लाएंगे 8 मॉड्यूल के लिए न्यूट्रल और फेस की वायरिंग। तो उस कनेक्शन कैसे करते हैं, वायर डालेंगे तो अब हम आपको दिखाएंगे। पहले हमारा जो पाइप था वो ये था, जो कि अब चौक हो चुका है, पार्टी ने वो चौक कर दिया है, तो मिस्त्री ने वो बंद कर दिया, ये रूट हमारा ऑफ हो चुका है। तो इस तरह से हम एक नया रूट बना सकते हैं, जब कभी हमारा कुछ इस तरह की सिचुएशन आए तो हम इस तरह से एक रूट बना सकते हैं, और यहाँ से हमारा वायर अब आ जाएगा और यहाँ से हमारा वायर इसके लिए चला जाएगा। तो सिंपली हमारा वायरिंग न्यूट्रल फेस का आना है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से वायर आएगा न्यूट्रल फेस का, तो हमारा न्यूट्रल फेस यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, तो हम जॉइंट करेंगे तो इस वाले बोर्ड में करेंगे, प्लस हम इसका भी जॉइंट करेंगे तो हम सिर्फ यहाँ पे ही करेंगे, और इसको हम जंक्शन बॉक्स में लूप कर देंगे इस तरह से, तो हमारा इस तरह से कनेक्शन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की ये वीडियो आपको समझ में आई कि किस तरह से हम इस अगर हमारा सॉकेट वगैरह ख़राब हो, यानी कि रूट हमारा चेंज बंद हो जाए किसी कारणवश, तो किस तरह से हम कनेक्शन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हमने आपको यही दिखाया है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों इसके बाद हम वीडियो और लाने वाले हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और एक कमेंट जरूर कीजिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लाई जाती है, लाएं हम।